दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं गांव की तरफ। और गांव के रास्ते में बहुत सारे वृक्ष मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं। बहुत लोग को जानकारी नहीं रहता है, नाम नहीं रहता है उस पेड़ का। तो हम आज जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसके बारे में आपको दिखाएंगे, बोलेंगे और सुनेंगे आप, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारे जो भारत देश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो। और ये राष्ट्रीय वृक्ष घोषित क्यों किया गया है, क्यों बनाया गया है इनको, उसके बारे में बताएंगे आपको। आजकल के बच्चे लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो हम वीडियो के माध्यम से उन बच्चे को बताएंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्योंकि सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दिखा सकूँ और वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय वृक्ष। तो गाइस, नमस्कार, जय जोहार। आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय वृक्ष। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है, और बहुत बच्चे आजकल के तो जानते ही नहीं पेड़ के बारे में कि कौन कौन सा क्या पेड़ है, पीपल पेड़ क्या होता है, कदम पेड़ क्या होता है, और हमारे देश के जो राष्ट्रीय पेड़ है उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं हम हमारे देश के राष्ट्रीय पेड़ और उनका लोकेशन दिखाते हैं आपको, और क्यों रखा गया है इसको राष्ट्रीय पेड़, क्यों माना गया है भारत देश में इसको राष्ट्रीय वृक्ष, कुछ खासियत इस पेड़ में तभी बनाया गया है इसको राष्ट्रीय वृक्ष। तो चलिए हम उस पेड़ को दिखाते हैं जो हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है, पेड़ है, उसको दिखाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास वीडियो जल्दी जल्दी पहुँच सके। दोस्तों, हम भारत देश के एक ऐसा पेड़ दिखाए हैं जो जिसको राष्ट्रीय पेड़ घोषित किया गया है, मानते हैं हम लोग राष्ट्रीय पेड़ है, भारत देश का राष्ट्रीय पेड़ है वो, और हर जगह पाए जाते हैं राष्ट्रीय पेड़। लेकिन बहुत लोग अभी भी उस पेड़ को देखे नहीं हैं, बहुत लोग जानते नहीं हैं और उनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो हम चलिए दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय पेड़, वीडियो को आखिर तक देखती है। दोस्तों, बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं है ना, ये बहुत सारे पेड़ है और इसमें से एक पेड़ ये है, देखिए आप, ये है हमारा राष्ट्रीय पेड़ जो आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना विशाल पेड़ है, आपको दिख रहा है आपको, और इनमें खास बात क्या है वो भी आपको बताएंगे। देखिए कितना सारा तना निकला हुआ है इसका, देख रहे हैं आप, और जो ये बर का पेड़ है, बरगद का पेड़ है वो, इसको बर भी बोलते हैं, साथ में बरगद भी बोलते हैं। देखिए ये जो विशाल पेड़ होते हैं हमारा बरगद की, आप इसका जोड़ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अगर जड़ ख़त्म होगा तो इसमें से जो फिर एक जड़ ज़मीन में पड़ेगा तो उग जाता है। देखिए ये सब एक प्रकार के समझ लीजिए जड़ है, नीचे ज़मीन में आएगा तो एक नया पेड़ धारण कर लेगा वो। ये विशाल पेड़ दिख रहा है आपको, देखिए ऐसे ही घोषित नहीं किया है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें तभी किए गए हैं। देखिए ऐसा पेड़ आपको कभी नहीं दिखेगा, ये 500 साल तक जिंदा रहते हैं, 16 साल तक जिंदा रहते हैं, कभी मरता नहीं है पेड़। देखिए और ये पूरा छाया देते हैं, पूरा इनका देखिए, यहाँ पे आपको छाया देगा, साथ में फल भी देता है। देखिए काफ़ी बड़ा पेड़ है, देखिए यहाँ आपको दिखा रहे हैं इनका तना को, देखिए कितना विशालमय है, दिख रहा है आपको, साथ में इनका जो नीचे से निकला हुआ तना वो भी आप देख सकते हैं। और देखिए इनमें बैठने के लिए चबूतरा भी बनाए जाते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं, और इसमें पहले ज़माने में चौपाल भी लगता है। गांव में कभी भी कुछ कार्यक्रम होता है या कुछ मीटिंग वीटिंग होता है तो पेड़ के नीचे में ही चौपाल बैठाए जाते हैं। देखिए